मिल रहे हैं अमित खंडेलवाल जो भाई प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हैं। अमित जी आपका स्वागत है आपकी आवाज पे। थैंक यू अरुण जी। मैं ये जानना चाहूंगा जो आपने बुक राइटअप की है क्रिएटिविटी के नाम से, उसका टाइटल किस तरह से आपने डिफाइन किया और क्या है ये क्रिएटिविटी बुक में क्या कंटेंट क्या है? हमारी लाइफ में हम लोग पूरी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम करें। पर जब भी हम ऐसा सोचते हैं तो हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि लेफ्ट ब्रेन के लिए हमने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होते हैं, अपने फ्रेंड्स से एडवाइस ली होती है, कुछ बुक्स पढ़ी होती है और ऐसी हर एक्टिविटी हमने हमारी लाइफ में की होती है जिससे हमारा लेफ्ट ब्रेन के स्किल्स बढ़ सके। पर कहीं ना कहीं एक गॉड की तरफ से हमारे हम सबको एक गिफ्ट मिला हुआ है, वो गिफ्ट है क्रिएटिविटी जो हमारे राइट ब्रेन से जुड़ा हुआ है और हमने हमारी लाइफ में इस क्रिएटिविटी नुमा गॉड गिफ्ट का उपयोग कुछ हद तक कम किया है। और इन्हीं चीज के बारे में सोचते हुए हम लोग इस जगह पे पहुंचे कि कैसे हम एक्सेलेंस के लिए अपने इस गिफ्ट का अच्छा यूज कर सकते हैं और इसीलिए हमने ये बुक लिखी क्रिएटिविटी गॉड्स गिफ्ट फॉर एक्सेलेंस जो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने में। तो किन के लिए ये बुक काफी यूजफुल रहेगी? इस बुक के ऐसे कौन कौन से यूजर्स हो सकते हैं जो इसको पढ़ने से लाभान्वित हो सके? ये बुक एक कैरेक्टर इस बुक में है जिसका नाम है लूफा। लूफा का मतलब हुआ लर्न यूनिकली फॉर एडवांसमेंट। तो हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया में है और किसी भी चीज को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूनिकली सीखना चाहता है या वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहता है या वो अपने बिजनेस में कुछ नया आइडिया लेकर आना चाहता है या अपनी स्टडीज को कुछ इस तरह से करना चाहता है कि वो जो भी पढ़े उसको जल्दी याद हो पाए या वो कुछ ऐसा कुछ बनाना चाहता है जो उसकी लाइफ में उसको आगे बढ़ने में हेल्प करे, तो हर वो व्यक्ति अपनी जो क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहता है, जो अपने अंदर एक लूफा को खोजना चाहता है, लूफा जो यूनिकली सोच के अपनी लाइफ में एडवांस होना चाहता है, हर ऐसे व्यक्ति के लिए बुक है। ये हर यूथ के लिए बुक है, हर ऐसे व्यक्ति के लिए बुक है जो बिजनेस कर रहे हैं और हाउसवाइफ्स के लिए बुक है। ये हर उस व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं जो अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया कहा। क्या इंस्पायरिंग इस बुक में और क्या इंस्पायरिंग थिंग्स हैं इस बुक्स का? ये बुक एक स्टोरी फॉर्म में है जिसके अंदर एक व्यक्ति होता है जो बहुत पोटेंशियल से भरा हुआ है, जिसके अंदर ऐसी हर वो क्वालिटी है जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध हो सकती है। पर होता क्या है, वो व्यक्ति इन सारी क्वालिटीज के होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में वो चीज नहीं पा रहा होता है जो वो पाना चाहता है। अब वो व्यक्ति अपनी लाइफ में इस चीज को खोजने की कोशिश करता है और उसको वो टूल्स मिलते हैं जिनसे वो अपने पोटेंशियल का ज्यादा अच्छा उपयोग कर पाए। वो टूल्स शुरू होते हैं उसके अंदर आने वाले सवाल से, वो टूल्स शुरू होते हैं उसके अंदर आने वाली इंस्पिरेशन से। तो ये बुक बताती है कि कैसे हम अपनी इंस्पिरेशन तक पहुंचे, ये बुक बताती है कैसे हम अपने दिल की आवाज को सुने, ये बुक बताती है कैसे कुछ इनोवेटिव तरीके करने से हम हमारी क्रिएटिव स्किल्स को अनलॉक कर सकते हैं और हम उस जगह पहुंच सकते हैं जहां हम अपनी लाइफ में पहुंचना चाहते हैं। इसका कंटेंट की बात कर लेते हैं, किस तरह का कंटेंट है, थोड़ा और डिस्क्राइब करें हमारे व्यूअर्स के लिए जो इस बुक को पढ़ने के लिए इंस्पायर हो सके। जी बिल्कुल, ये बुक जब हमने चालू की तो मैं पिछले कई सालों से, जब से मैंने आर्किटेक्चर करियर में मैं आया तो मुझे लगता था कि मैं क्रिएटिविटी पे कुछ ना कुछ काम करूं क्योंकि आर्किटेक्चर में बहुत कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ था। फिर मुझे लगने लगा कि कहीं ये क्रिएटिविटी जो है वो केवल आर्किटेक्ट से जुड़ी हुई नहीं है, हर एक आर्टिस्ट के लिए, पेंटिंग बनाने वाले के लिए ही नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए जो इस दुनिया में है क्रिएटिविटी जरूरी है। हर एक प्रोफेशन चाहे वो सीए हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, क्रिएटिविटी हर जगह जरूरी है। हम रोज देखते हैं हर घर में चाय बनती है और हर चाय का स्वाद अलग अलग होता है, तो चाहे हम एक छोटी सी एक्टिविटी भी करें पर उसमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। तो मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं और हम सब लोग अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाएं इस बारे में हमें रिसर्च करनी चाहिए। और ये रिसर्च जब चालू हुई तो मैंने उन एक्टिविटीज को खोजना चालू किया जिससे हम हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी को बढ़ा सकें और कई तरह के हिट एंड ट्रायल्स मैंने करना चालू किया।
फिर मुझे लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज समझ में आई, ऐसी कुछ चीजें उनकी इंस्पिरेशन ईश्वर के आशीर्वाद से मिली, जिसके लिए मैं मेरे गुरुजी जिनको कमलेश डी पटेल कहा जाता है, जो हार्टफुलनेस के प्रेसिडेंट है, उनके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ होऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी इंस्पिरेशन से मेडिटेशन के दौरान इसमें मुझे कई सारी एक्टिविटीज समझ में आई, जिन एक्टिविटीज को हम हमारी लाइफ में उपयोग कर सकते हैं। और उन एक्टिविटीज को मैंने मंडे टू सैटरडे की एक्टिविटीज के रूप में अपनी लाइफ में किया और मैंने महसूस किया कि इससे मेरी क्रिएटिविटी एनहांस हो पाई। फिर लगभग 2012 के अंदर मेरा एक सेमिनार हुआ जो वंडर सीमेंट के साथ में मिलकर हुआ, जहां हमने क्रिएटिविटी से रिलेटेड इन टॉपिक्स को लोगों तक शेयर किया। फिर कुछ और सेमिनार्स रहे जहां हमने क्रिएटिविटी से रिलेटेड एक्टिविटीज को शेयर किया। फिर मैं विशाल जी से मिला, जो इसमें मेरे साथ को ऑथर भी है, एक बिजनेसमैन, एक कोच है, हार्टफुलनेस स्पिरिचुअल ट्रेनर भी है और बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है। उनके साथ जब मुलाकात हुई तो उनके साथ मुलाकात के बाद पता चला कि ही इज आल्सो वेरी क्रिएटिव पर्सन और हम लोग मिलकर कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करें जो शायद सब लोगों तक पहुंच सके। फिर हमने ये प्लान किया कि एक बुक लिखी जाए जिससे हम सब लोग अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, इसलिए डिसाइड किया गया कि यह बुक एक कहानी के रूप में बनाई जाए, एक स्टोरी फॉर्म में बनाई जाए। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक स्टोरी नजर आएगी, एक कहानी नजर आएगी जो एक लूफा कैरेक्टर की है। जैसा मैंने बताया कि लूफा कैरेक्टर जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ पोटेंशियल अपनी लाइफ का लेके आना चाहता है, और वो एक दिन बैठा होता है और सोचता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है। और उसको मिस गोम्स, जिन्होंने उसको इंग्लिश पढ़ाई थी बचपन में, जो विजडम के रूप में उसके सामने आती है, और वो उसको अपने साथ एक ऐसी जगह लेकर जाती है जो स्कूल ऑफ नॉलेज होती है, एक रिवर ऑफ नॉलेज पे वहां पहुंचता है। वहां उसको ये सवाल समझ में आते हैं कि कैसे अपने अंदर के सवालों से जुड़ा जा सकता है। उसको ये समझ में आता है कि कैसे इंटरनल इंस्पिरेशंस तक पहुंचा जाता है। उसको ये समझ में आता है कि कैसे हम हमारे ब्रेन में बंधी हुई बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकते हैं और नई पोटेंशियलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बुक आपको बताती है कि कहीं ना कहीं आप आज जहां भी हैं वो आपकी प्री कंसेप्शंस की वजह से अटके हुए हैं। आपके ब्रेन में कुछ बाउंड्रीज बनी हुई है और हम कुछ एक्टिविटीज कर उन बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकते हैं और उनको ब्रेक करके हम नए पोटेंशियल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये बुक हमें हमारी लाइफ की इंस्पिरेशन, हमारी लाइफ की बाउंड्रीज, हमारी लाइफ के आगे के बढ़ने के तरीके, उन सब जगह तक पहुंचाकर हमारी लाइफ के पोटेंशियल को हमें हाईएस्ट लेवल पे अचीव करना सिखाती है। तो ये इस बुक का कंटेंट एक स्टोरी फॉर्म में आपको जरूर पसंद आएगा। आपने विशाल जी की, आपने को ऑथर की बात की, विशाल गेनीवाल, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका भी कराइए। और मैं चाहूंगा कि आप अपना जो क्रिएटिविटी, जो बुक आपने लिखी है, उससे जो बुक लिखी है तो कहां से आपकी इंस्पिरेशन शुरू हुई, कब से आपने, थोड़ा सा आप अपना भी इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन आपने थोड़ा सा ब्रीफ किया, मतलब तो थोड़ा और उसको डिटेलाइज कीजिए प्लीज। मेरे साथ के जो विशाल गेनीवाल जी, जो इसमें कोऑथर है, वो बैंगलोर से बिलोंग करते हैं और वो एक बहुत ही अच्छे क्रिएटिव पर्सन है। वो बिजनेस वर्ल्ड में अपना एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा विशाल जी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो जब भी उनके सामने कोई चीज आती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वो कहीं ना कहीं दो चीजों को जोड़ने में लगे हुए हैं। वो हर एक जगह पे कोलैबोरेशन की पावर को महसूस करना चाहते हैं और उस पावर को लेकर आना चाहते हैं। और वो इस चीज को पसंद करते हैं कि कैसे किसी चीज को अच्छे तरीके से रखा जाए और कैसे किसी अच्छी चीज को दुनिया तक पहुंचाया जाए। तो विशाल जी इज ए पर्सन, ए वेरी नाइस पर्सन, ए वेरी हम्बल पर्सन, जिनके साथ जब मैं मिला तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हमें लगा कि हम कुछ आगे मिलकर साथ में कर सकते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी लाइफ में आर्किटेक्चर आया, मेरी लाइफ में मेरी वाइफ, शी इज आल्सो आर्किटेक्ट, शी इज पूनम जैन, एंड माय सन प्रताप खंडेलवाल। मैंने तीनों के साथ महसूस किया, मैंने दोनों के साथ महसूस किया, मेरी वाइफ के साथ, मेरे बेटे के साथ, कि वो भी एक क्रिएटिव लोग हैं। और हमारी लाइफ में ये क्रिएटिविटी का एक इंस्पिरेशन हमारे घर से चालू हुआ। मेरे माता पिता के लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे भी मैंने क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश की और बचपन से देखा कि क्रिएटिविटी हमारी लाइफ में कैसे बदलाव लेकर आ सकती है। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहूंगा मैं मेरे मास्टर कमलेश जी पटेल, जो हार्टफुलनेस के प्रेसिडेंट भी हैं, श्री कमलेश जी पटेल का, क्योंकि उनकी प्रेरणा से, उनके इंस्पिरेशन से हम लोगों ने मेडिटेशन चालू किया और मेडिटेशन के दौरान हमें समझ में आया कि कैसे हम हमारे दिल के साथ जुड़ सकते हैं और कैसे वो आइडियाज हमारे लाइफ में आ सकते हैं, जिनको लोग आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज कहते हैं, जिनको लोग क्रिएटिव आइडियाज कहते हैं, और उनको हम हमारी लाइफ में जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये पूरा सफर आर्किटेक्चर का चालू हुआ जहां हमने क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ काम किए, फिर हमारे साथ ये चीज दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोगों ने बनाना चालू किया, कुछ क्वांटम आर्किटेक्चर से रिलेटेड हम लोगों ने काम किया जहां हम लोग वाइटल एनर्जी और बिल्ट फॉर्म की रिलेशनशिप पे काम करने लगे, और इन सारे क्रिएटिविटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते करते हमें ख्याल आया कि कैसे क्रिएटिविटी हम सब लोगों की लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, और उसने इस बुक को फॉर्मेट में बदला। बिल्कुल, काफी अच्छा आपने ब्रीफ किया इसको। तो आपने क्वांटम प्रोडक्ट की बात की, लगी है तो उनकी भी बात कर लेते हैं कि क्वांटम प्रोडक्ट किस तरह से है और क्या यूटिलिटी है और क्या यूज कर सकते हैं। क्वांटम प्रोडक्ट हमारी वाइटल एनर्जी, जब भी हम किसी भी जगह जाते हैं तो हम लोग अक्सर महसूस करते हैं कि हमें किसी जगह बहुत अच्छा लग रहा होता है और किसी जगह हम उतना अच्छा महसूस नहीं कर पाते। होता ऐसा है कि हम जहां भी जाते हैं वहां की एक एनर्जी होती है और हमारी एक एनर्जी होती है, जब हम उस एनर्जी को आपस में कोरिलेट करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी का एहसास होता है। और क्वांटम प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्वांटम आर्किटेक्चर के बेसिस पे डेवलप किए गए हैं, वो इस तरह के प्रोडक्ट हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर जगह की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकें, जिससे कि वो पर्टिकुलर पेंटिंग्स, वो पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट्स जब आप अपने घर में लगाएं तो उस जगह पर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप उस जगह पे एक्सपीरियंस कर पाए। थैंक यू। ये बुक, आपने क्वांटम प्रोडक्ट की बात की, मैं ये जानना चाहूंगा जब आपने ये बुक के बारे में सोचा होगा, आपने ख्याल किया होगा कि इस तरह की बुक होनी चाहिए जो व्यूअर्स यूजर्स को या किसी भी पर्सन को गाइड कर सके, आइदर वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आइदर पॉलिटिकल लीडरशिप में हो। सो मैं ये चाहूंगा किस तरह के चैलेंजेस हैं आपको इस बुक को लिखने में, राइटअप करने में और इस तरह की कम्प्लीट करने में। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे शुरू में लगा था कि बुक लिखना बहुत आसान हो सकता है और सिर्फ एक कंटेंट बनाने से शायद मैं बुक लिख पाऊंगा, तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आइडियाज एक लेवल तक थे बट शुरुआत में कैसे उसको बांधा जाए, कैसे कंटेंट को बांधा जाए, कंटेंट बनने के बाद उसको कैसे प्रिंट किया जाए, कैसे उसको डिस्प्ले किया जाएगा, कैसे उसकी जैकेटिंग होगी, कैसे बुक दिखाई देगी, तो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में थे। ISBN नंबर कैसे लिया जा सकता है, पर आई एम रियली थैंकफुल टू गूगल, आई एम रियली थैंकफुल टू यूट्यूब, आई एम रियली थैंकफुल टू वेरियस ऑनलाइन ट्रेनर्स जो आज की डेट में अवेलेबल हैं, जहां हम लोग इसको टाइम टू टाइम स्टडी करते रहे, और मेरी टीम जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, जिसमें कलर स्प्लैश जिन्होंने इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने में हेल्प की, मैं सिमरन के लिए थैंकफुल हूं जिसने इसको इलस्ट्रेशन करने में हेल्प की, पुनित खंडेलवाल जिसने इसकी कॉपी राइटिंग में हेल्प की, इसके कंटेंट को प्रॉपर करने में हेल्प की, और सबसे ज्यादा मेरे साथ के कोऑथर विशाल जी के, जिनका कंटेंट, जिनका पूरा इन्वॉल्वमेंट इस बुक को डेवलप करने में हेल्पफुल हुआ। बट डेफिनेटली इट वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, बट थैंकफुल कि ईश्वर के आशीर्वाद से हम इसको पूरा कर पाए। जी मैं आगे जानना चाहूंगा कि इस बुक की लाइफ कहाँ से शुरुआत हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर ये नाम जो क्रिएटिविटी आपने रखा, इसकी शुरुआत और कितनी लंबी एक्सरसाइज रहा है आपका। क्रिएटिविटी बुक की शुरुआत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी लाइफ में क्रिएटिविटी की शुरुआत जो पहली बार हुई वो हुई थी जब मैं कॉलेज के अंदर था। जब मैं कॉलेज में कुछ स्टडीज कर रहा था तब मुझे एक बात महसूस हुई कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम क्रिएटिविटी को मेजर कर सके, शायद कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ा सके। तो तब से मेरी इस क्रिएटिविटी से एक जुड़ाव सा चालू हो गया था। फिर जब मैंने आर्किटेक्चर प्रैक्टिस की तो मुझे इस तरह का लगने लगा कि जैसे हम फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, हम हमारे मेंटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे सेमिनार्स, कई सारी जगहों पर जाते हैं, कई सारी चीजों को अटेंड करते हैं, उसी तरह से क्या हम क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारा क्रिएटिव ब्रेन शार्प हो। तो लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 16 से 17 सालों तक हम लोग इस चीज पे वर्क करते रहे, अलग अलग तरह के सेमिनार हुए, अलग अलग तरह की R&D हुई, बहुत सारे लेवल्स पे बहुत सारे लोगों से मिला तब जाके इसको महसूस किया। जी हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें जो एक्टिविटीज जो एक्सरसाइज मैंने शेयर की इनको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया और मुझे महसूस हुआ कि इससे चीजें बेहतर हो सकती है। और अभी इसमें, इस बुक में हमने क्रिएटिविटी की बेसिक एक्सरसाइज दी है, इसके अलावा मैंने क्रिएटिविटी फॉर रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी फॉर मनी, क्रिएटिविटी फॉर प्रॉस्पर्टी, इस तरह की भी चीजें बना रखी है, इस तरह की भी एक्सरसाइजेस बना रखी है जो मैं चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में मैं बाकी लोगों से उन सारी एक्सरसाइजेस को भी शेयर कर सकूं। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये क्रिएटिविटी की परफेक्ट बुक है, और आप इसको कैसे हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहेंगे?
देखिए मेरा मानना है कि परफेक्शन सिर्फ गॉड में एग्जिस्ट करता है, तो हम सब लोग एक प्रोसेस का हिस्सा है. परफेक्शन इज नॉट ए लिमिट बट परफेक्शन इज ए प्रोसेस. तो ये बुक डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने में, चाहे हमारी क्रिएटिविटी आज किसी भी स्केल पे हो, चाहे हम कितने ही क्रिएटिव हो, डेफिनेटली बुक आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने में 100% लाभदायक हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है. पर मैं ये सेंटेंस से बोलता हूं कि ये परफेक्ट हो सकती है, तो उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हो सकता है ये आज के समय में आपके लिए परफेक्ट हो, पर कल जब इसको आप कंप्लीट कर लें कुछ और चीज आपको इससे ज्यादा बेहतर मिल सके, क्योंकि एक प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम सब लोग परफेक्ट होने की तरफ बढ़ रहे हैं. तो दिस बुक इज अ गुड फॉर यू और परफेक्ट आप अपने लिए इसको डेफिनेटली बना सकते हैं. मैं डिटेल तो नहीं पूछना चाहूंगा क्योंकि वो बताना भी और जानना भी उचित नहीं होगा अभी इस प्लेटफॉर्म पे. मैं जस्ट ये जानना चाहूंगा कि इस आपकी जो क्रिएटिविटी बुक है इसमें कितने चैप्टर हैं, और इन चैप्टर्स का एटलीस्ट टाइटल का अगर ब्रीफिंग हमारे व्यूअर्स को कर सके तो थोड़ा एक्साइटमेंट हमारे व्यूअर्स के लिए बढ़ जाएगा प्लीज. इस बुक में 17 चैप्टर्स हैं, बट आप 17 के नाम से घबराइएगा मत, क्योंकि जब मैंने बुक लिखना चालू किया था और विशाल जी के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था, तो हम एक ऐसी बुक लिखना चाहते थे जो वो लोग भी पढ़ सके जिनको बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है. तो हम एक ऐसी बुक बनाना चाहते थे जिसके अंदर लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप उस बुक को कंप्लीट कर सके, और वो बुक कितनी पतली हो पर जिसको हम लोग कह सकते हैं छोटी, पर पूरी नॉलेज उसके अंदर हम लोग लेकर आ सके, और सार गर्भित शब्दों में हम उस सारी चीज को, सारी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सके जिसका वो यूज कर पाए. तो इसमें 17 चैप्टर हैं, लेकिन सब चैप्टर्स 1 से 1.5 पेज के हैं, और ये स्टार्ट होते हैं एक कैरेक्टर के साथ जहां पर उसकी लाइफ में ये बात आती है कि कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, फिर उसकी लाइफ के अंदर आने वाले क्वेश्चंस के साथ, फिर उसको जो इंस्पिरेशन मिलती है उससे रिलेटेड, फिर उसको पता चलता है कि कैसे डिफरेंट डायमेंशन उसकी लाइफ में बदलाव लेकर आ सकती है. तब वो ये बात जान पाता है कि हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में हर चीज को अलग अलग निगाहों से देखता है, फिर उसको समझ में आता है कि कैसे वो अपने ब्रेन की बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकता है, और उसको पता लगता है कि कैसे मेडिटेशन उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है. इस तरह से वो कैरेक्टर कैसे अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होता है उसके बारे में ये 17 चैप्टर्स हैं. और आपको जब आप इस बुक को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने 1 से 1.5 घंटे में पढ़ ली, लेकिन आप इसको तुरंत कुछ समय बाद वापस पढ़ना चाहेंगे, और जब जब आप इसको पढ़ेंगे आपको हर बार कुछ इसमें नया मिलेगा, हर बार इसमें कुछ नया समझ पाएंगे. इनफैक्ट आप लोगों से मैं सच्ची बात शेयर करूं, मैं खुद भी आज जब इस बुक को वापस पढ़ता हूं तो मुझे इसमें कुछ नया मिलता है, मुझे कुछ इसमें नया सीखने को मिलता है. तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मैं खुद भी इस बुक का लर्नर ही हूं और ईश्वर के आशीर्वाद से बन पाई है, और जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं भी एक रीडर के रूप में हमेशा इसमें कुछ नया महसूस कर पा रहा हूं. अमित जी काफी अच्छी बात बताई कि जब जब इस बुक को पढ़ेंगे, जिस जिस स्टेज पे पढ़ेंगे, आइदर आप एक दिन पहले पढ़ी हो, 4 दिन बाद में पढ़ेंगे, उसके 4 दिन बाद भी आपको ये बुक काफी इंटरेस्टिंग लगेगी. इसका इम्पोर्टेंस आपको उस बुक के उस टाइम पे आपको दिखेगा कि ये पढ़ने के बाद क्या आप उसमें बेटर और अपनी प्रेजेंट लाइफ को इससे जोड़ पा रहे हैं, इस प्रेजेंट लाइफ को आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं. तो ये बुक काफी आपने डिटेलाइज किया, आपने चैप्टर वाइज किया, तो हर एक पर्सनैलिटी से हर एक पर्सन के लिए काफी यूजफुल होगी. मैं पहले भी कह चुका हूँ, आइदर वो स्टूडेंट हो, आइदर वो प्रोफेशनल हो, आइदर वो बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रीज हो, आइदर वो किसी भी कंसर्न में लीडरशिप में आप लीडरशिप में हो, सो हर एक पर्सन के लिए बुक यूजफुल है. मैं चाहूंगा कि सभी को ये बुक पढ़नी चाहिए. ये बुक हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, तो जरूर पढ़ें इस बुक को. और एक लास्ट आपकी तरफ से क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे इस इंस्पायरिंग बुक के लिए? मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि यू आर हैविंग इमेंस पोटेंशियल. आप सब में वो पोटेंशियल है जिसको आज तक आप नहीं खोज पाए हैं, या खोज भी पाए हैं तो आप उसको बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं. अपने पोटेंशियल को पहचानिए, वही बात जो आपके अंदर छिपे हुए हनुमान जी में है या आपके अंदर छिपे हुए लुफा में है. जब हम अपने असली कैरेक्टर को जान पाते हैं, जब हम अपने असली एनर्जी को जान पाते हैं, तो हम हमारी लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाते हैं. तो लाइफ में एक्सेलेंस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब हम मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को क्रिएटिव बनाएंगे, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे. और क्रिएटिव कोलैबोरेशन की तरफ हम लोगों को बढ़ना है, हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम लोग एक कैंपेन भी चालू करने जा रहे हैं. उस कैंपेन का नाम है भारत बनेगा क्रिएटिव. तो प्लीज आप आइए साथ में और भारत बनेगा क्रिएटिव कैंपेन के अंदर एक क्रिएटिविटी के साथ शामिल होइए. थैंक यू.